दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तो बीजेपी को पलटवार का मौका मिल गया। हालांकि पराली और आंकड़ों को पहले बढ़ाने और फिर घटाने को लेकर इस मामले के याचिकर्ता भी हैरान हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या पंजाब में चुनाव के कारण से राजनीतिक दल किसानों को नाराज नहीं करना चाहते। पंजाब हरियाणा में जलती पराली को दिल्ली एनसीआर में छाए जहरीले धुएं का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया गया है। आदित्य दुबे नाम के याचिकाकर्ता ने इसे हर हाल में रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। वहीं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने पहले दावा किया था कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में 40% योगदान पराली का है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने इसे महज 10% बताया है। जो कल रात जो मीटिंग हुई है, हाई पार्ट मीटिंग जो हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है अपने एफिडेविट में कि 35-40% दिल्ली का पोल्यूशन स्टबल बर्निंग से ही है, लेकिन वो कह रहे हैं ओरली सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि 10% से कम है। तो ये बात समझ में नहीं आती, या तो इलेक्शन टाइम है, ये लोग फार्मर्स को डिस्प्लीज नहीं करना चाहते, एज इट इज फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहाँ पे। दूसरी तरफ पराली को ही दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा जिम्मेदार ठहराने वाली दिल्ली सरकार भी अब गोलमोल जवाब दे रही है। अभी पराली का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सफर के द्वारा ही डेटा जारी किया जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से ही वो डेटा आता है। दिल्ली सरकार के पास तो अभी कोई ऐसा मेजरमेंट है नहीं, उसी के ऊपर सभी लोग भरोसा करते हैं। वो अलग अलग समय में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम देखें अक्टूबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो पराली का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है, हो सकता है 4% से भी कम रहा हो, क्योंकि जब बारिश हुई तो कटाई हुई नहीं धान की। उसके बाद जो है उस समय पूरे अक्टूबर के महीने में दिल्ली का पूरा ही पोल्यूशन का स्तर कम था। दिल्ली सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन जैसे कड़े और ऐतिहासिक कदम का प्रस्ताव रखा था। यही नहीं, उसके फैसले के मुताबिक आज से एक हफ्ते के लिए दिल्ली के स्कूल बंद कर दिए गए। दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम करने का निर्देश दिया गया है। वहीं 17 नवंबर तक दिल्ली में सभी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद केंद्र और राज्यों को जब फटकार लगी तो केंद्र सरकार इशारों में अरविंद केजरीवाल पर पैनिक की पॉलिटिक्स का आरोप लगा रही है। नहीं करूंगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, बिना मांगी सलाह है कि उसके लिए प्रिकॉशन की जरूरत है वो करिए, प्रिवेंशन की जरूरत है वो करिए, बट पॉलिटिकल पैनिक और किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ना हो तो वो बेटर है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल भी उठाया कि अगर लॉकडाउन हुआ तो दिहाड़ी मजदूरों का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, इस पर भी सरकार को जवाब देना होगा। वहीं कोर्ट से दिल्ली सरकार को लगी फटकार के बाद बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार कुशासन का प्रतीक बन गई है। कहा तो वादा था आम लोगों का भला करना और आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की लताड़ लगाई है उसमें अगर जरा भी नैतिकता होती अरविंद केजरीवाल सरकार को तो वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके होते। वैसे डांट केंद्र सरकार को भी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो राज्यों के साथ मिलकर प्रदूषण का कोई हल निकाले। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सरकार क्या कदम उठाए ये बताना कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं। अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।